नमस्कार, मैं एसपीएन विनोद आंबेकर। आप देख रहे हैं फार्मिंग टेक यूट्यूब चैनल। आज हम बीजो अमृत कैसे तैयार करें इसके बारे में जानेंगे। 100 किलो बीजों के लिए 20 लीटर पानी ले, उसके बाद उसमें 5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डालिए, उसके बाद 5 किलो देसी गाय का गोबर डालिए, उसके बाद 50 ग्राम चूना डालें, फिर एक मुट्ठी जीवाणु मिट्टी उसमें डालें, बाद में उसको एक लकड़ी से घोलकर छाँव में रखने दें। रात भर रहने के बाद सुबह वो बीजामृत तैयार होता है। बीजामृत तैयार होने के बाद हमें ये बनाया हुआ 100 किलो बीजों के लिए उपचार करना है। बीजों को बीजामृत का संस्कार कैसे करें? जो फसलें एकदल घास वर्गीय या अन्य एकदल है, जैसे गेहूं, धान, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, झंगोरा और अन्य मिलेट्स, एकदल खाद्य तेल बीज सब्जियां के एकदल बीज जैसे मिर्च, बैंगन, टमाटर, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, भिंडी, प्याज और एकदल फल पेड़ों के बीज, इनमें से चयनित फसल के बीज ले, थोड़े फैलाए, उस पर अंदाज से बीजामृत छिड़के। हाथ उतना ही बीजामृत छिड़केगा जितनी असल में आवश्यकता होती है, और बीजों को दोनों हाथों से बीजामृत लगाकर ठीक से मल ले, संस्कार हो जाएगा। बाद में इन संस्कारित बीजों को धूप निकट छाया में पतले स्तर पर फैलाकर सुखाए। हवा का एक झोंका आया तो जल्दी सूख जाते हैं, बाद में उन्हें बोए। एकदल फसल माने जब बीज दो उंगलियों के बीच में लेकर जोर से दबाता है तब वो जैसा वैसा ही रहता है, दो विभागों जो में होता नहीं, उसको एकदल बोलते हैं। और दुदल वर्ग के जो फसल है वो दो विभाजों में जो होते हैं उसको दुदल बोलते हैं। दुदल वर्गीय जैसे मूंग, उड़ीद, लोबिया, मट, अरहर, कुलथी, चना, मटर, घेवड़ा, मेथी, सोयाबीन, मूंगफली, बरसीम, सहजन, हाथगा और अन्य दुदल फसल का बीज दो उंगलियों में लेकर उसे जोर से दबाए। जब वो बीज विभाजित होकर दो दलों में विलग होता है वो फसल दुदल है। अभी जो फसलों का नाम लिए है, इन दुदल फसलों में से किसी भी चयनित फसल को बीज लेकर उसे थोड़ा फैला दे, बाद में उस पर अंदाज से बीजामृत छिड़के। दोनों हाथों से मलिए मत, मलना नहीं है, छिलका निकल जाता है, अंकुरण नहीं होता। दोनों हाथों की सारी उंगलियां फैला दे और उंगलियों से बीजों को हल्के से नीचे ऊपर करें, संस्कार हो जाएगा। बाद में धूप निकट छाया में पतले स्तर पर फैलाकर सुखाए, सूखने के बाद बो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सब्जियों की जो फसलें थे उसको बीजामृत से कैसे संस्कार करना है। उनमें से एकदल सब्जियां जैसे मिर्च, शिमला मिर्च, रंगीत मिर्च, बैंगन, टमाटर, पत्ता गोभी, फूलगोभी, भिंडी, प्याज और अन्य एकदल सब्जियों को सब्जियों की फसलें गेंदा, धान, ये सारी फसलें के बीज बीजामृत से संस्कारित करें। बाद में उन्हें पौधशाला में गद्दी वापा पर बोए। बाद में इस पौधशाला के पौधे रोपाई के लिए समक्ष बनने के बाद उन्हें बेड़ पर में से उखाड़कर उनकी जड़ें प्रथम बीजामृत से कुछ सेकंड डुबाना है और बाद में रोपाई करना है। इस तरह हम बीजामृत का उपयोग कर सकते हैं। बीजामृत का संस्कार करने के बाद हमारे जो फसल रहती है वो निरोगी रहते, कोई भी किसी भी प्रकार का रोग उस पर आता नहीं, इसलिए बीजामृत का संस्कार करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।